नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, कंप्यूटर की वीडियो सीरीज का यह हमारा नवा वीडियो है। दोस्तों, कंप्यूटर की यह वीडियो सीरीज हम परीक्षा धाम पब्लिकेशन की कंप्यूटर की पुस्तक को आधार बनाकर कवर कर रहे हैं। दोस्तों, 8वें वीडियो में हमने एरो की तक की चर्चा करी थी। इस वीडियो से हम शुरुआत करेंगे करेक्टर की और फिर बाकी इसी तरीके से इस वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हमारी यह वीडियो सीरीज आपके लिए इंडिया के उन सभी एग्जाम्स में लाभकारी साबित होगी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हों, जिसमें भी कंप्यूटर से संबंधित प्रश्नों को पूछा जाता है। और दोस्तों, यदि आपको हमारी ये वीडियो सीरीज लाभदायक सिद्ध होती है तो दोस्तों आप हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि सभी लोग इस वीडियो को देखकर इसका लाभ ले पाएं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि आने वाले समय में जितने भी वीडियोस हमारे इस चैनल पर अपलोड होते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं करेक्टर की से। दोस्तों, ये की विशेष अक्षरों या चिन्हों को लिखने के काम आती है, जैसे एट द रेट, हैज, डॉलर, परसेंटेज आदि आदि। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टर की में आप ऊपर यहां पर अलग अलग कैरेक्टर बने हुए हैं। दोस्तों, नंबर कीज जो होती हैं उनके ऊपरी हिस्से में इस प्रकार से कैरेक्टर बने होते हैं, और शिफ्ट की सहायता से आप इनको अपनी स्क्रीन पर लिख सकते हैं। शिफ्ट प्लस ये नंबर की प्रेस करके आप इनको अपने डिस्प्ले पर लिख सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम बात करेंगे स्पेशल की की। दोस्तों, कीबोर्ड में कुछ स्पेशल की भी होती हैं, इनके नाम निम्न अनुसार हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों स्पेशल की, जैसे रिटर्न या एंटर की। अब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, एंटर की का ही दूसरा नाम है रिटर्न की, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एंटर की का अन्य नाम क्या है, तब आपको ध्यान रखना है दोस्तों, रिटर्न की हम कहते हैं एंटर की को। दोस्तों, रिटर्न की किसी कीबोर्ड में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली की है। कोई शब्द, वाक्य या निर्देश लिखने के पश्चात जब इस की को दबाया जाता है तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। तो दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ से यह भी बन सकता है कि किसी शब्द, वाक्य या निर्देश को लिखने के पश्चात यदि हमें उसको मेमोरी में भेजना है तो हमें कौन सी की प्रेस करनी होगी, तब आपको आंसर देना होगा एंटर की हमें प्रेस करनी होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने चर्चा करी एंटर या रिटर्न की। अब हम बात करेंगे एंड की। दोस्तों, एंड की कर्सर को स्क्रीन के अंत में लाती है, इस प्रकार से एंड की दिखती है, और यह जो कर्सर होता है उसको स्क्रीन के अंत में लेकर आती है। आपसे प्रश्न उल्टा भी पूछा जा सकता है कि कौन सी की कर्सर को स्क्रीन के अंत में लेकर आती है, तब आपको आंसर करना होगा दोस्तों एंड की। अब हम बात करेंगे होम की। दोस्तों, इसका उपयोग कर्सर को स्क्रीन पर बनाए गए किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाने के लिए होता है। होम की का उपयोग दोस्तों, जब आप कर्सर को स्क्रीन पर बनाए गए किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाना चाहते हैं तब आप होम की का प्रयोग करते हैं। याद रखें दोस्तों, एंड की क्या करती है, कर्सर को स्क्रीन के अंत में लेकर जाती है, वहीं होम की कर्सर को बनाए गए डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में लेकर जाती है। आपको ध्यान रखना है दोस्तों, होम की प्रारंभ में लेके जाती है बनाए गए डॉक्यूमेंट के कर्सर को, और एंड की अंत में लेकर जाती है स्क्रीन के। इन दो बातों को आप ध्यान रखें। अब बात करेंगे बैक स्पेस की। दोस्तों, इस की के प्रयोग से कर्सर के बाईं ओर वाला अक्षर मिटाया जाता है। दोस्तों, ध्यान रखना, बैक स्पेस और स्पेस में अंतर है। बैक स्पेस का उपयोग हम मिटाने के लिए करते हैं, और बैक स्पेस से हम कौन सा अक्षर मिटाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप राइट कर रहे हैं की और कर्सर यहां तक पहुंचा है, तो जब आप बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये वाला वाई मिट जाएगा, फिर से प्रेस करेंगे तो ई मिट जाएगा। इस प्रकार से बैक स्पेस की से कर्सर के वाई ओर वाला अक्षर मिटाया जाता है, इस बात का आप ध्यान रखें। स्पेस बार की यदि हम बात करें दोस्तों, तो यह कीबोर्ड की सबसे लंबी की है। प्रश्न यह भी आ सकता है सबसे लंबी की कौन सी है दोस्तों, तो आपको आंसर करना है स्पेस बार की, कंप्यूटर की या कीबोर्ड की सबसे लंबी की। इसका उपयोग दो अक्षरों, अंकों या स्थान को छोड़ने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते हैं स्पेस बार, तो दोस्तों स्पेस लिखने के बाद आप बार को अलग से लिखते हैं थोड़े गैप पर,
तो यहाँ पर आप स्पेस का उपयोग करते हैं या स्पेस की का उपयोग करते हैं इस गैप को बनाने के लिए। जितनी बार आप स्पेस बार को प्रेस करेंगे उतना गैप बढ़ता जाएगा। यदि आपने कीबोर्ड का यूज किया है तब मुझे ये सब चीजें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे डिलीट की की। दोस्तों यह की कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर को मिटाने के काम में आती है, डिलीट की दाईं ओर वाले अक्षर को मिटाने के काम में, और स्पेस बार बाईं ओर या लेफ्ट साइड वाले अक्षर को मिटाने के लिए कर्सर के। अब बात करते हैं इंसर्ट की की। दोस्तों यह की दो अक्षरों के मध्य अन्य कोई अक्षर डालने का काम करती है। नाम से ही समझ में आ रहा है, इंसर्ट करना किसी चीज को, किसी अक्षर को इंसर्ट करना। तो दोस्तों इंसर्ट की का उपयोग दो अक्षरों के मध्य कोई अन्य अक्षर डालने के काम में किया जाता है। अब हम बात करते हैं टैब की की। दोस्तों यह कर्सर को एक लाइन में अथवा अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान तक लेकर जाती है। दोस्तों जब भी आप कीबोर्ड का उपयोग करें तब आप इन कीज को प्रेस करके जरूर देखें ताकि आप प्रैक्टिकली इन बातों को अनुभव कर पाएं, तब आपको आसानी से ये सारी बातें याद हो जाएंगी। आपको याद करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, हम इस प्रकार भी कह सकते हैं, यदि आपने एक बार इनका उपयोग करके देख लिया तो। आप अपने फ़ोन से भी कीबोर्ड का कनेक्ट कर सकते हैं OTG कनेक्टर के थ्रू और इनका उपयोग करके देख सकते हैं। दोस्तों यदि आप मोबाइल से टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो हमने आपके लिए अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक अलग से वीडियो बनाकर रखा है। आप चाहें तो उस वीडियो को देखकर किस प्रकार से आप मोबाइल से टाइपिंग सीख सकते हैं, कैसे आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना है, इन सभी बातों की जानकारी ले सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मैंने खुद आपके लिए टाइपिंग करके भी बताई है अपनी स्पीड के साथ कि किस प्रकार से आप बढ़िया तरीके से मोबाइल फ़ोन से ही टाइपिंग कर सकते हैं। आप हमारे वीडियो के शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाएंगे तो दोस्तों मैंने आपको वहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में दोनों भाषाओं में टाइप करके दिखाया है कि किस प्रकार से जब आप मोबाइल पर टाइप करेंगे तो कैसी आपकी स्क्रीन दिखेगी और काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से आप टाइपिंग कर पाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे एस्केप की की। आपको इस प्रकार से एस्केप की कीबोर्ड में दिख जाएगी। दोस्तों यह कीबोर्ड के बाईं ओर ऊपरी कोने में होती है। ध्यान रखिए दोस्तों, यदि यह कीबोर्ड है तो एस्केप की बिल्कुल कोने में यहाँ पर बाईं ओर कीबोर्ड पर होती है। इसका उपयोग किसी कमांड या एंट्री को रद्द करने के लिए किया जाता है। दोस्तों एस्केप से समझ में ही आ रहा है, एस्केप का अर्थ है किसी चीज़ को एस्केप कर देना या छोड़ देना, हटा देना, इस तरीके से आप कह सकते हैं। इस की का उपयोग कमांड या एंट्री को रद्द करने के लिए या पूर्व कमांड या एंट्री पर जाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखिए, कमांड या एंट्री को रद्द करने या पूर्व कमांड या एंट्री पर जाने के लिए हम स्किप की का उपयोग करते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं पॉज की। दोस्तों कंप्यूटर पर चल रही प्रक्रिया प्रोसेसिंग को अस्थायी रूप से रोकने का कार्य करती है पॉज की। दोस्तों आपको यहाँ पर अस्थायी वर्ड पर ध्यान देना है। आपके ऑप्शन में मिल सकता है पॉज की का प्रयोग कंप्यूटर में चल रही प्रक्रिया को स्थायी रूप से रोकने में किया जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखें, यह विकल्प गलत होगा क्योंकि पॉज की से हम अस्थायी रूप से चल रही प्रोसेस को रोकते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे कैप्स लॉक की। दोस्तों इस की को दबाने पर सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं। यदि आप कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर तो आपको कीबोर्ड पर दाईं ओर ऊपर साइड एक लाइट जल जाएगी, इंडिकेशन ऑन हो जाएगा, कैप्स लॉक ऑन हो गया। दोस्तों जैसे ही कैप्स लॉक ऑन होता है तो कीबोर्ड में जितने भी अल्फाबेट हैं वो सब कैपिटल में टाइप होने लगते हैं। और यदि आप फिर से एक बार इसको प्रेस करते हैं तब अक्षर सामान्य रूप से टाइप होने लगते हैं। कहने का मतलब है, यदि आप कैप्स लॉक को ऑन करना चाहते हैं तो आप एक बार कैप्स लॉक प्रेस करें, यदि आप फिर से कैप्स लॉक को प्रेस करते हैं तो फिर से सामान्य स्थिति हो जाती है और जो इंडिकेशन वाली लाइट थी वो बंद हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, सामान्य अक्षर टाइप करने के लिए इसे पुनः दबाना होता है एक बार फिर से। यह की सक्रिय होती है तो कीबोर्ड पर ऊपरी दाहिनी ओर कैप्स लॉक इंडिकेटर ऑन हो जाता है। जब आप कीबोर्ड देखेंगे तो आपको ऊपर यहाँ पर कीबोर्ड के दाहिनी ओर तीन इंडिकेटर मिल जाएंगे। दोस्तों एक इंडिकेटर होता है कैप्स लॉक के लिए, एक इंडिकेटर होता है नंबर लॉक के लिए, इस तरीके से इंडिकेटर कीबोर्ड में दिए हुए होते हैं। अब हम बात करेंगे शिफ्ट की। दोस्तों कीबोर्ड की अधिकांश कुंजियों पर ऊपर एवं नीचे दोनों तरफ अंक अक्षर चिन्ह मुद्रित होते हैं।
सामान्य रूप से किसी बटन को दबाने से नीचे वाला अक्षर ही टाइप होता है। ऊपर वाले अक्षर को टाइप करने के लिए उस की को शिफ्ट के साथ दबाना होता है। दोस्तों, हमने बात करी थी स्पेशल कैरेक्टर जब हमने देखे थे, ऊपर हम आपको दिखा देते हैं। जैसे कैरेक्टर ये लिखे हुए हैं यहाँ पर, तो विशेष जो अक्षर है यदि आप इनको प्रेस करना चाहते हैं तो आपको शिफ्ट के साथ इस की को प्रेस करना होगा, तभी आप ऊपर वाले अक्षर को लिख पाएंगे। बिना शिफ्ट के आप प्रेस करते हैं तो जो नीचे वाले अक्षर हैं यही टाइप होंगे। ऊपर वाले अक्षर के लिए आपको शिफ्ट की का उपयोग करना होगा। दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे प्रिंट स्क्रीन की। दोस्तों, मॉनिटर की स्क्रीन पर जो भी सामग्री प्रदर्शित हो रही है उसे प्रिंट करने के लिए हम इस की का उपयोग करते हैं। किसकी का? प्रिंट स्क्रीन की। इसके अलावा दोस्तों एक की होती है स्क्रॉल लॉक की। इसका उपयोग स्क्रॉलिंग अर्थात स्क्रीन को ऊपर नीचे बाएं दाएं मूव करने, प्रारंभ करने एवं बंद करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, जब कभी भी आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो इसकी स्क्रीन दोस्तों इस तरीके से दाएं बाएं ऊपर नीचे मूव होती है। यदि आप पर्टिकुलर स्क्रीन पर ही काम करना चाहते हैं और चाहते हैं डिस्टरबेंस ना हो, गलती से भी यदि कोई एरो की प्रेस हो जाए तो भी, तब आप स्क्रॉल लॉक की का उपयोग करके इस चीज़ को बंद कर सकते हैं। फिर आप ऊपर नीचे करेंगे भी तो वह स्क्रीन स्थिर रहेगी। यदि आप फिर से इसको प्रेस करते हैं तो यह भी स्क्रॉल लॉक जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। यह बात आप ध्यान रखें। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं पेज अप तथा पेज डाउन की। दोस्तों, जिस पेज पर कार्य किया जा रहा है उसे पहले पेज पर जाने के लिए, जिस पेज पर आप काम कर रहे हैं यदि आप उससे पहले पेज पर जाना चाहते हैं तब आपको पेज अप की का प्रयोग करना पड़ेगा, और यदि आप अगले पेज पर जाना चाहते हैं तब आपको पेज डाउन की का उपयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर में कार्य कर रहे हैं 1 2 3 4 5 इस प्रकार से पेजेस हैं और अभी आप तीसरे पेज पर काम कर रहे हैं, और यदि आप इससे पहले वाले पेज पर जाना चाहते हैं तब आपको पेज अप की का उपयोग करना होगा, और इसके बाद वाले पेज पर जाना चाहते हैं तब आपको पेज डाउन की का प्रयोग करना होगा। बाद वाले पेज से कहने का मतलब है यदि आप अगले पेज पर जाना चाहते हैं तब आपको पेज डाउन की का उपयोग करना होगा। दोस्तों, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, कृपया आप सभी लोग एक बार कीबोर्ड को जरूर चला लें ताकि आपको इस अध्याय में जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूं उन बातों को याद करने में ज़्यादा समस्या का सामना ना हो, आप बहुत ही आसानी से इन सारी बातों को समझ पाएं और याद कर पाएं। मॉडिफायर कुंजी। दोस्तों, अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट कुंजियों को हम मॉडिफायर कुंजी कहते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, अल्ट कंट्रोल और शिफ्ट इन कीज को हम कहते हैं मॉडिफायर की, क्योंकि दोस्तों जितनी भी कीज हैं तीन इनका उपयोग हम किसी दूसरी की के साथ करते हैं, और जिस की के साथ हम इनका उपयोग करते हैं तो उसका जो फंक्शन होता है वह चेंज हो जाता है, अलग तरीके से काम करती है, इसलिए हम इनको मॉडिफायर की कहते हैं, क्योंकि जिस की के साथ हम इनका उपयोग करते हैं उस की का काम मॉडिफाई हो जाता है। अब हम आगे इसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, इन प्रत्येक की का उपयोग किसी ना किसी की के साथ किया जाता है, बिल्कुल सही बात है ना। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे प्रोग्राम बंद हो जाते हैं तथा कंप्यूटर फिर से शुरू वाली अवस्था में पहुंच जाता है। ऐसा अक्सर हम तब करते हैं दोस्तों जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है। अब कंप्यूटर हैंग हो गया और काम नहीं कर रहा तो दोस्तों हम कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट की को प्रेस करके कंप्यूटर को पूर्व अवस्था में, शुरू वाली अवस्था में पहुंचा देते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मॉडिफायर की समझ आई होंगी। आपको ध्यान रखना है कंट्रोल अल्ट शिफ्ट को हम मॉडिफायर की कहते हैं। आपको दोस्तों इनके सिंबल और जिस तरीके से इनको लिखा जाता है वह भी याद करने की आवश्यकता नहीं होगी यदि आप एक बार कीबोर्ड को अच्छे तरीके से देख लेते हैं तो। इसके बाद दोस्तों हम टोंगल की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं अब तक हमने क्या क्या चर्चा करी। दोस्तों, हमने शुरुआत करी थी कैरेक्टर की से। दोस्तों, ये की जो होती है कैरेक्टर की, एक सेकेंड। कैरेक्टर की विशेष अक्षर या चिन्हों को लिखने के काम में आती है, जैसे कि यहां पर दिए हुए हैं। दोस्तों, हम रिवीजन मोड में अब काम करेंगे। फिर हमने देखा स्पेशल की को। कीबोर्ड में कुछ स्पेशल की होती है जैसे कि एंटर या रिटर्न की। याद रखें एंटर की को हम रिटर्न की भी कहते हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना।
और दोस्तों इस की में क्या होता है, कोई शब्द वाक्य निर्देश लिखने के पश्चात यदि हम एंटर की को दबाते हैं तो वह कंप्यूटर की मेमोरी में चला जाता है। याद रखना दोस्तों, प्रश्न बन सकता है कि यदि कोई वाक्य शब्द हम निर्देश कंप्यूटर में लिखते हैं और फिर हम यदि एंटर की को दबाते हैं तो वह जो निर्देश है, वह वाक्य है, वह कहाँ चला जाता है? कंप्यूटर की मेमोरी में। क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कंप्यूटर की मेमोरी में किसी निर्देश को भेजने के लिए हम किस की का उपयोग करते हैं? तब आपको आंसर देना है एंटर की का हम उपयोग करते हैं। फिर हमने बात करी थी एंड की। ध्यान रखिए दोस्तों, कर्सर को स्क्रीन के अंत में ले जाने के लिए हम एंड की का उपयोग करते हैं। फिर हमने देखा था होम की को। दोस्तों कर्सर को स्क्रीन पर बनाए गए किसी डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में ले जाने के लिए हम होम की का उपयोग करते हैं। एंड की कर्सर को स्क्रीन के अंत में, याद रखिए एंड की कर्सर को स्क्रीन के अंत में और होम की कर्सर को स्क्रीन पर बनाए गए डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में। तो आप ऐसा याद कर ले, एंड मतलब अंत, ए से एंड, ए से अंत, आप ऐसा याद कर लो। होम की मतलब आपको सबसे पहले लेके जाना है डॉक्यूमेंट की शुरुआत में जो आपने स्क्रीन पर बनाया है। फिर बात करी थी बैक स्पेस की। हम सभी जानते हैं कर्सर के बाईं ओर के अक्षर को हम बैक स्पेस से मिटा देते हैं। फिर स्पेस बार की हमने बात करी थी। कीबोर्ड की सबसे लंबी की होती है और क्या होता है, स्थान छोड़ने के लिए, दो अक्षरों के बीच स्थान छोड़ने के लिए इसका हम उपयोग कर लेते हैं। फिर डिलीट की हमने बात करी थी, कर्सर के दाईं ओर वाला अक्षर इससे मिट जाता है, आपकी भाषा में कहें तो उड़ जाता है। इंसर्ट की हम बात करें दोस्तों, दो अक्षरों के मध्य कोई अक्षर डालने के लिए, कोई अक्षर इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की का उपयोग किया जाता है। फिर बात करी थी टैब की। कर्सर को एक लाइन में अथवा अगली लाइन में पूर्व निर्धारित स्थान तक टैब की के द्वारा हम ले जाते हैं। फिर हमने देखा था एस्केप की। नाम से समझ में आ रहा है दोस्तों कहाँ होती है, हमने लोकेशन देखी थी सबसे पहले, वो थी बाई और कंप्यूटर के ऊपरी कोने पर, मैंने आपको यहाँ बना के दिखाया था, है ना। इसका उपयोग कमांड या एंट्री को रद्द करने या पूर्व कमांड या एंट्री पर जाने के लिए करते हैं, दोस्तों ध्यान रखिए। इसके बाद हमने चर्चा की थी पॉज की, प्रक्रिया को दोस्तों रोकने के लिए, कैसे रोकने के लिए, अस्थायी रूप से रोकने के लिए। दोस्तों स्थायी टिक मत कर देना, अनर्थ हो जाएगा आपके साथ। पॉज की अस्थायी रूप से प्रोसेस को रोकती है। फिर कैप्स लॉक पर हम आए थे। इस की को दबाने पर सभी अक्षर कैपिटल में टाइप होते हैं। एक बार दबाओगे कैप्स लॉक ऑन, फिर से दबाओगे कैप्स लॉक ऑफ, और इंडिकेशन कहाँ होता है, कीबोर्ड के ऊपरी दाहिनी ओर इंडिकेशन ऑन हो जाता है। जब आप कीबोर्ड को कनेक्ट करेंगे, चाहे तो फोन में कर लें, चाहे तो कंप्यूटर में कर लें, आपको यहाँ पर इंडिकेशन दिख जाएंगे। दोस्तों करके जरूर देखना, आपको यह चैप्टर स्पेशली यह पोर्शन कीज वाला याद करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होगी। फिर हमने बात करी थी शिफ्ट की। दोस्तों कीबोर्ड की अधिकांश कुंजियों पर ऊपर नीचे दोनों तरफ अक्षर अंकित होते हैं, हमने एग्जाम्पल देखा था, ये देखिए। अब ऊपर वाले अक्षर को यदि आपको टाइप करना है तब आप इन सिर्फ इन कीज को प्रेस करोगे तो टाइप नहीं होंगे दोस्तों, आपको शिफ्ट का उपयोग करना होगा यदि आप ऊपर वाले अक्षर को टाइप करना चाहते हैं तो। इस बात का आप ध्यान रखें या टाइप करके खुद देख लें, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। इस तरीके से शिफ्ट की दिखती है। फिर बात करी थी प्रिंट स्क्रीन की। कि दोस्तों नाम से ही समझ में आ रहा है, स्क्रीन पर जो भी चीज़ें आपको दिख रही हैं उनको प्रिंट आपको करना है तो उसको प्रेस कर देना। स्क्रॉल लॉक की, दोस्तों स्क्रॉलिंग क्या कहलाती है, स्क्रीन को ऊपर नीचे दाएं बाएं करना, उसको हम कहते हैं स्क्रॉलिंग। यदि आप वो बंद करना चाहते हैं तो इसको प्रेस कर लें। पेज अप पेज डाउन की, अब दोस्तों सीधी सी बात है, आपने चार पाँच छः पेज पर काम कर रहे हैं, किसी बीच वाले पेज पर आप हैं, यदि पिछले पेज पर जाना चाहते हैं या पहले वाले पेज पर जाना चाहें तो पेज अप, अगले वाले पेज पर जाना चाहते हैं पेज डाउन। दोस्तों इंडिकेशन से आपको समझ आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद आपसे कर सकता हूँ। मॉडिफायर की दोस्तों तीन की हमने बात करी थी, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, इनको हम मॉडिफायर की के नाम से जानते हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी मॉडिफायर की है, एक को ही दिया रहेगा टिक कर देना। निम्न में से कौन सी मॉडिफायर की नहीं है, तीनों दी होंगी, एक ऑप्शन गलत होगा, गलत वाले पर टिक कर देना। इनका उपयोग हम करते हैं किसी दूसरी की के साथ और फिर उसके साथ मिलकर तीसरे प्रकार का काम हो जाता है, आप ये चीज़ याद रखना। जैसे कि कंट्रोल अल्ट प्लस डिलीट को एक साथ दबाने पर कंप्यूटर में चल रहे सारे प्रोग्राम क्या होते हैं दोस्तों, बंद हो जाते हैं। ऐसा हम तब करते हैं जब कंप्यूटर हैंग हो जाता है और समझ नहीं आता अब क्या करें, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने बात करी मॉडिफायर की तक, अगले वीडियो हम चर्चा करेंगे टंगल की, ठीक है। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा, किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम की तैयारी में आपकी सहायता कर रहा है तो हमारे वीडियो की भी आप सहायता करें। हमारे वीडियो को आप अधिक से अधिक संख्या में लाइक कर दें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर कर दें, तो विद्यार्थी हित में आप इतना कर सकते हैं ताकि दूसरे विद्यार्थी भी हमारी इस वीडियो सीरीज का पूरा पूरा लाभ ले पाएं। आप यदि ऐसा करेंगे और कमेंट बढ़िया कर देते हैं तो उससे हमें मनोबल मिलेगा और लगातार हम आपके लिए काम करने के लिए प्रेरित होते रहेंगे। तो
दोस्तों हम लोग की प्रेरणा भी आवश्यक है आपके लिए इसी प्रकार से नया नया कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए, तो इतना आप जरूर कर दें और बने रहें हमारे साथ, लगातार मेहनत करें दोस्तों। तब तक मत रुकिए जब तक कि आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम।